पीछे ही आ गई माइकल भाई, फ्रैंकली आराम से फ्रैंक से फ्रैंक तरीके से माइकल भाई और अश्विन। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, देख सकते हो यार आप लोग तो बहुत ज्यादा अच्छे हो गए और हमें देख करके भी खुश हो रहे हो गए, लेकिन गाइस हम लोग तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है ना। क्यों नहीं है अच्छे भाई? कष्ट कार किलर ने ना हम लोगों का इतना दिमाग खराब करके रखा है कि यार लास्ट टाइम तो यार वो माइकल भाई ड्राइवर हम लोग गए तो भाई ये तो बिल्कुल ही पीछे पड़ गई थी भाई। ड्राइवर भाई मेरे साथ लग गए और भाई वो कष्ट कार गाइस बिल्कुल ही पीछे तरीके से लग गई थी अच्छी तरीके से। गाइस ये तो बहुत ज्यादा गलत है ना, है ना भाई? वो कष्ट कार यार हम लोगों को पीछे लग लिया भाई सब, पता है एक कष्ट कार लगी थी लेकिन यहाँ कष्ट कार के साथ साथ दो कष्ट कार मेरे साथ लग गई। ओ भाई साहब वो जो डरावना सीन हुआ ना गाइस, यार मैं तो भाई डर के मारे यार हम लोगों की ऐसी हो गई। लेकिन गाइस आज मुझे जाना है वो बाबा के पास जो कि यार PSS गेमर ने खूनी हाईवे वाले बाबा से मिले थे। अब यार उस बाबा के पास जाकर के मुझे कोई उपाय लेना है कि भाई यार लॉस सेंटोस से ये कष्ट कार से पीछे कैसे छुड़वाना है ना। तो भाई मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा उस बाबा के पास और बाबा वो रात को ही बैठता है गाइस, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। और गाइस मुझे वो हाईवे जिस पे कष्ट कार मिलती है मुझे वो टनल क्रॉस करना पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा डरावना हो सकता है मेरे लिए। और देख सकते हो लॉस सेंटोस की लाइट कितनी जा रखी है। और मुझे अपने घर वालों को बिल्कुल भी नहीं बताना इस बारे में, क्योंकि घर वालों को बता दूंगा तो बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो फ्रैंकलिन सर आप किधर जा रहे हो? अबे वो कष्ट कार किलर का कोई उपाय लेने सर, पर बीच रास्ते में तो वो कष्ट कार किलर तो मिल ही जाएगी आपको। अबे नहीं मिल रहा भाई, कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। अरे बाबाजी दीदी ये फ्रैंकलिन भैया किधर जा रहे हैं? अरे हम तो बारिश का मजा लेने आए थे, ये फ्रैंकलिन भैया किधर जा रहे हैं? सबको मैं सुनती हूँ एक मिनट। अरे ये कहीं कष्ट कार किलर से मिलने तो जा रहे हैं भाई, वो बहुत डरावनी है सर जी। पर वो कष्ट कार किलर तो बहुत डेंजर है। अरे डेंजर हो या कुछ भी हो मेरे को ऐसी तैसी मारनी है भाई आज कष्ट कार किलर की, मुझे उपाय लेकर के आना है। अरे फ्रैंकलिन भैया पागल क्यों बन रहे हैं? अब आप सब यार अब क्या करें, अब ऊपर चलो। मैं जल्दी से क्या कह रहा हूँ सिंचन भैया क्या हुआ हिमा बहन? अब आता क्या हुआ हिमा बारी? अरे यार फ्रैंकलिन भैया कष्ट कार के पास जा रहे हैं, अब क्या करें? क्या है? अरे यार क्या है, दिमाग खराब है इनका। अरे यहाँ से देखो कष्ट कार के पास जा रहे हैं वो। अरे यार ये दिमाग खराब हो रहा है आज, यार ऐसा करते कल तो माइकल भैया ड्राइवर भैया गए थे और वो लोग डर गए थे, ऐसा करते हम लोग चलते हैं आज। बाबा सब नहीं, कल तो हम लोग गए थे भाई, हम लोग गए थे लास्ट एपिसोड में, पिंचन मैं और फ्रैंकलिन और ड्राइवर भाई गए थे और भाई बहुत माइकल भाई बुरा हाल हो गया था। तो अब क्या करें? अरे यार चलना तो पड़ेगा ना, नहीं तो फ्रैंकलिन भैया अकेले निकल जाएंगे। अरे हाँ अभी रुक जाओ, रोको तुम कैसे भी करके फ्रैंकलिन भैया को जाके रोको, है ना। अरे रोको बाबा सब, रोकते रोकते तू देख भाई जल्दी से। हाँ माइकल भैया उठो। अरे अरे क्या हुआ तुमको? अरे यार ये फ्रैंकलिन भैया वो कष्ट कार के लेट से मिलने के लिए जा रहे हैं, आप लोग उठो ना। क्या इसको मैंने मना किया था? अरे आप उठो जल्दी से, उठो यार आप जल्दी से उठो। ड्राइवर भैया आप भी उठो। क्या बात हो गई बेटा? अरे फ्रैंकलिन भैया वो कष्ट कार किलर के पास जा रहे हैं उसको मारने के लिए। अरे अरे क्या बात हो गई शिंचन, कष्ट कार किलर को मारने जा रहे हैं फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन किधर गए? इधर ही तो सो रहे थे। अरे आप सो नहीं रहे पे, सो रहे थे भाभी जी, देखो यार वो सो रहे थे। अरे अरे अभी आती हूँ मैं। हाँ मैं फ्रैंकलिन भैया को कैसे भी करके रोकता हूँ। फ्रैंकलिन भैया रुक जाओ जाने तमन्ना ऐसे न कर तू सितम। क्या हो गया हिमावारी पिंचे सिंचन? अरे फ्रैंकलिन भैया आप कष्ट कार किलर को मारने के लिए जा रहे हो? अबे यार तुम्हें किसने बताया? मैंने सुन लिया सब कुछ। किसी अबे तुम लोग बताया गया था, जैसे ही बताया मैं उसके इस्ते से मारता हूँ मैं अभी। अरे मैंने देख लिया था। ब्रूनो तू इधर क्या कर रहा था? सुसु करने आया था बाहर। हाँ बारिश में खुले में करने का मजा आता है, इसलिए जहाँ सोच वहाँ शौचालय। अच्छा अबे वो दिमाग खराब मत करो यार। अरे यार फ्रैंकलिन भैया हाँ आप ऐसे क्यों जा रहे हो? पता भी है डेंजर है वो कष्ट कार के लिए, लेकिन यार लॉस सेंटोस तो उसको पीछे तो छुड़ाना पड़ेगा ना। फ्रैंकलिन भैया इकलौते अपने आप में क्यों शेर बनते हैं बेटा, किसी दिन वो कष्ट कार खा गई ना बहुत गुरा मारेगी। अरे वो फ्रैंकलिन भैया तू भी आ गया, तुम लोग सब उठ के आ गए हो क्या? अब यार चलो फिर शांति से चलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया शांति से नहीं जा सकते, मतलब माइकल भैया ड्राइवर भैया क्या भाभी भी आ रही है। अबे किसने बताया? मैंने बता दिया शोर मचा दिया। क्यों मचाया शोर भाई सिंचन, तेरे को दिमाग खराब है क्या? अब चलो भाई अब सब लोग आ ही रहे हो तो आ ही जाओ फिर। फ्रैंकलिन ये गलत बात है यार, तेरे को मना किया था ना। अरे रे और नहीं था क्या फ्रैंकलिन, तेरे में अकल नहीं है क्या? तेरे को मना कर रहे तो यार माइकल भाई फिर कैसे पीछे छुड़ाएंगे भाई उससे, वो कष्ट कार के लड़ से छुड़ा लेंगे फ्रैंकलिन, पर ये थोड़ी बात होती है।
यारा बैठो यार, अब सब लोग बैठो, अब दिखाई देते हैं फिर तुम्हें कष्ट कार कैसी है कैसे नहीं दिखती भाई, जब तुम लोगों के इतने ही चुल्ल है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया आप चुपचाप से चलो। अरे फ्रैंकलिन सर हम भी चले गया क्या, फटे जाएंगे सालों तुम लोगों की वो कष्ट कार किलर को देख करके। अरे फ्रैंकलिन भैया पर वो पापा किधर बैठते हैं, वो एक पहाड़ी की चोटी पे बैठते हैं यार, पर वो चोटी क्यों रखते हैं भाई, दिमाग खराब मत कर, पहाड़ी की चोटी माउंट एवरेस्ट एक बढ़िया सा ऊपर ऊंचा है भाई, वो क्या बोलता माउंटेन पीक पे जो होता है ना। अरे हाँ अरे अच्छे अच्छे समझ गया मैं, हाँ तो वो उधर है भाई वो। अरे यार फ्रैंकलिन भैया इतनी डेंजर डेंजर आवाजें क्यों आ रही है भाई, डरावनी वीडियो में डेंजर ये आवाज़ आती है तेरे को क्या, यहाँ पे कॉमेडी साउंड चला रहा हूँ मैं यहाँ पे, मेरे डर लग गया बहुत जोर की, हाँ जोर की लग रही है, अरे टट्टी मत करती हो। अरे फ्रैंकलिन भैया यार सही में, यार सही में डर लग रहा है, हाँ मुझे पता है तेरे को डर लग रहा है, लेकिन गाइस यार अब तो मेरा भी डर शुरू हो गया, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग टनल के करीब आते जा रहे हैं और कष्ट कार का यार डर चालू होते जा रहा है गाइस, यार खतरनाक कष्ट कार का किलर डर चालू है, लास्ट एपिसोड में तो आपने देख ही रखा था ना उसका, तो डर कष्ट कार का चल ही रहा था, अब यार हमें वापस से टनल क्रॉस करनी पड़ेगी। अरे इस टनल से बचना है तो शॉर्टकट ले लो, हाँ यार अगर हमें इस टनल से बचना है तो गाइस शॉर्टकट ले लेते हैं, क्योंकि ये टनल अगर मैंने ये ब्रिज और टनल पार कर लिया ना गाइस गड़बड़ी गड़बड़ है पूरी तरीके से। फ्रैंकलिन भैया तभी तो बोल रहा हूँ यार, हाँ भाई हाँ सिंचन ये बात तो तुमने करेक्ट बोली है। फ्रैंकलिन भैया अचानक से अंधेरा कैसे हो गया, पता नहीं यार ये तो बहुत तगड़ा अंधेरा हो गया बाबाल सा फ्रैंकलिन यार, अब मुझे लग रहा भाई अब से डरा दिया, ओए सामने से लाइट आई, किस टाइप की लाइट आई भाई, साइड पे ले ले, ओए ये तो कष्टकारी आ गई, फ्रैंकलिन बचा, अरे हाँ मैं जल्दी से जाता हूँ, ओ माइकल भाई हमने तो टनल पे आई नहीं, फ्रैंकलिन वो टनल से भगा है भाई, थैंक गॉड हम लोगों ने टनल नहीं लिया, अरे भाई वो टनल लेते थे क्या हाल होता भाई, अचानक से लाइट और चली गई थी, शिट यार माइकल भाई मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, फ्रैंकलिन हमारी गाड़ी की तो लाइट चला ले अच्छे से, अरे हाँ भाई मैं हाई बीम कर देता हूँ, थैंक गॉड अपनी गाड़ी की तो लाइट चल रही है, ओ भाई अरे माइकल भाई मुझे लग रहा है वो हमारे आस पास ही है, फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन बहुत ज्यादा डरावना मंजर है, वो हमारे आस पास है, फ्रैंकलिन कुछ भी करिए निकाल देते से गाड़ी को, माइकल भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ गाइस गाड़ी को निकालने की यार, ओ थैंक गॉड, अरे वो हरी लाइट थी ना, अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया पर अब कहाँ से जाओगे, यहाँ से शॉर्टकट लेना पड़ेगा गाइस, यहाँ से शॉर्टकट लेना पड़ेगा, वो बड़ी खतरनाक तरीके से हमारे पीछा करा है उसने, फ्रैंकलिन भैया बस और पीछा ना करे वो हमारा, कोई नहीं सिंचन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो हमारा पीछा ना करे, बाकी ऑडियंस जल्दी से वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो, बस एक बार हम उस बाबा के पास पहुँच जाए, ये हमें बाबा के पास पहुँचने से रोकेगी जरूर ये गाड़ी, अरे हाँ यार ये भूत प्रेत की गाड़ी है तो सुन लेती है सब कुछ, हाँ भाई बाबा के पास जाने से एक बार तो हमें रोकेगी, और भाई हम लोग रुकने वालों में से नहीं है, अरे फ्रैंकलिन पर यार झुकने वालों में से भी तो नहीं है ना, नहीं भाई हम कोई किसी में भी नहीं है, लेकिन गाइस पीछे तो नहीं आ रही, फ्रैंकलिन वो मैं बता दूंगा हरी कलर की लाइट है उस गाड़ी की, हाँ यार हरी कलर की लाइट है, तो गाइस हम लोग बता देंगे पता चल ही जाएगा, थैंक गॉड गाइस यार अभी तो फिलहाल हम लोग बच ही गए हैं, अरे यार फ्रैंकलिन भैया बहुत बुरी तरीके से बचे हैं ये, हाँ भाई हाँ, लेकिन गाइस अभी तक हमने उस टनल को, ओए ओए सामने बुरी लाइट अबे शिनचैन ये सामने आ गई, अरे यार फ्रैंकलिन भैया, अरे फ्रैंकलिन अब क्या करें, ये तो सामने आ गई यार, ये तो हमारे उधर थी ना भाई, ये टनल क्रॉस करके आ गई, माइकल भाई हमने शॉर्टकट लिया ये तब भी पीछे पड़ गई है, फ्रैंकलिन इस रोड पे मुझे लगता है इसका हक चलता है, माइकल भाई ये आत्मा कितनी खतरनाक है जो ये कर्स्ट कलर कार चला है, भाई हमें खाना जाए, माइकल भाई हमारे रास्ते में है क्या, फ्रैंकलिन मोड़ ले, ओ थैंक गॉड गाइस बच गए, भाई वो हमारे रास्ते में ही आ गई थी है ना गाइस, आप लोगों ने देखा ना गाइस वो फिर से मोड़ करके वापस आ रही है माइकल भाई, अरे फ्रैंकलिन लाइट दिखाई दे रही है, अरे भगा जल्दी भगा, अरे गाइस बड़ी खतरनाक गाड़ी है यार ये तो पीछा ही नहीं छोड़ के दे रही है, भाई क्या बिगाड़ दी हमने इसका, फ्रैंकलिन उसे पता चल गया शायद से ये हम लोग कष्ट कार के किलर को मारने के लिए हम उपाय बना रहे हैं, बाबा से मिलने जा रहे हैं, हाँ माइकल भाई ये बात पक्की है, माइकल भाई इधर छुप जाएंगे ये एक रेस्टोरेंट है, पागल मत बन फ्रैंकलिन, माइकल भाई गाड़ी को चकमा तो देना पड़ेगा ना, अबे तू कैसे चकमा देगा, वो गाड़ी को चकमा मिल भी सकता है क्या, देखो आ गई फ्रैंकलिन भगा, फ्रैंकलिन वो पीछे ही आ गई, अबे शिट शिट भाई वो पीछे ही आ गई, फ्रैंकलिन क्या करते हो तुम यार, मैंने बोला था रुको मत, अरे भाई ये तो बिल्कुल ही पीछे आ गई है, अरे फ्रैंकलिन भैया इतनी डरावनी आवाज आ रही है इस गाड़ी में से, तो जल्दी निकालो ओ, गाइस यार ये तो बहुत खतरनाक मंजर हो गया हमारे साथ, उस बाबा के पास पहुंचने नहीं दे रही यार ये गाड़ी तो, फ्रैंकलिन जल्दी चल हमारे साथ कितने हादसे हो चुके हैं, फ्रैंकलिन यार देख यार हादसे हमारे पे ये वाले ब्रिज पे भी हुए थे, मुझे लगता है वो ब्रिज से लेके ये ब्रिज स्टेट इलाका है, और क्या फ्रैंकलिन अब पता नहीं है डर तो लग ही रहा है ना, भगा बस जल्दी से, भगा रहा हूँ गाइस मैं भगा रहा हूँ, लेकिन वो गाइस ओ ये सामने से अरे सर सर कष्ट कलर कार आ रही है पीछे, ओए उसको क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि अबे यार ये तो पीछे आ गई पूरी स्पीड में आ रही है भाई, बहुत खतरनाक स्पीड में आ रही है तो, माइकल भाई फ्रैंकलिन बहुत खतरनाक स्पीड में आ रही है, शिट इसने तो हमें दो पहुंच गया, ओ शिट भाई ये क्या किया इसने, ये क्या किया माइकल भाई,
भाई फ्रैंकलिन निकाल जल्दी से, बाहर से पहलवान निकाल भाई, तू टॉप स्पीड ले जा भाई। मैंने गाड़ी की टॉप स्पीड कर ली थी लेकिन वो कर्स्ट कार हम लोगों को खाने के लिए तब भी आ गई गाइस। अभी देखो टॉप स्पीड में चल रहा है लेकिन वो कर्स्ट कार यहाँ मारने को आ रही है, तो आ ही रही है गाइस, कुछ नहीं कर सकते इस चीज का। अरे भाई माइकल भाई फ्रैंकलिन ये तो बहुत खतरनाक है। क्या रहा, ये तो हमारे खाने के पीछे दौड़ रही थी। फ्रैंकलिन कब बचेंगे हम लोग? मुझे माइकल भाई कुछ नहीं पता इस बारे में कि हम लोग कब बचेंगे और ये कब हमारा पीछे छोड़ेगी। बाबा के पास हमें कैसे भी करके पहुंचना पड़ेगा, उन बाबा के पास। अरे यार वो बाबा भी तो कितनी दूर है ना हमारे घर से। फ्रैंकलिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि टनल के अलावा क्रॉस करने का, ये तो बहुत डेंजर हो गया ना हिसाब किताब। अरे अनित के फ्रैंकलिन भैया वो हमारी गाड़ी ठुक गई, आराम आराम चलते भाई। गाड़ी की इतनी गंदी हालत हो गई गाड़ी यार, शेट 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 वो पीछे ही आ गई। माइकल भाई फ्रैंकलिन आराम से, फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन उसने किया। अरे भाई अबे भाई वो तो हमें मारने को पा रही है भाई, ये कर्स्ट किलर कार तो हमारे पीछे पड़ गई है भाई, कितनी खतरनाक तरीके से। माइकल भाई और माइकल भाई ये पहुंचने देगी नहीं पहुंचने देगी। फ्रैंकलिन प्लीज कैसे भी करके बच के हमें बाबा के पास पहुंचा दे। मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ लेकिन गाइस ये गाड़ी की लाइट हमारे पीछे नहीं छोड़ रही, और ये लाइट जब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी माइकल भाई तब तक मैं कैसे आपको कर पाऊँ। गाइस हम लोगों को जाना है उस पहाड़ी पे। अब उस पहाड़ी पे जाने के लिए गाइस हम लोगों को रास्ता पर अच्छा चाहिए। फ्रैंकलिन लाइट जलाना गाड़ी की। माइकल भाई बोल तो रहा हूँ गाड़ी खराब हो चुकी है यार, बहनी की वर्कशॉप पे चले क्या? अरे कहाँ से चलेंगे? तो गाइस अब शायद वो लोग हमको हमारे पीछे छोड़ चुका है उसने। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया अब यार गाइस हमें उस वाले हाईवे पे जाना, मतलब यार उस वाले पहाड़ पे जाना है, बहुत ऊंचा पहाड़ है और उस गाड़ी ने अब हमारा पीछा तो छोड़ ही चुका है ना, तो भाई यार अब ठीक है भाई बिल्कुल ही अच्छे। फ्रैंकलिन भैया भगाओ जल्दी से, अबे यार ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रही यार। माइकल भाई किस साइड से लूं? फ्रैंकलिन तेरे को पता होगा ना यार, ये रहा तोड़ करके निकलना पड़ेगा उस बाबा के पास, हमें कैसे भी करके पहुंचना है जल्दी से। फ्रैंकलिन पर कैसे? फ्रैंकलिन तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये सब, तो डरावना। क्या रहा, इससे भी डरावना डरावना एक्सपीरियंस तो पीएसएस गेमर ने कर रखा है। लेकिन गाइस हम लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि गाइस यार हमारे साथ भी इतना खतरनाक हो रहा है भाई, हमारी गाड़ी बिल्कुल खराब हो चुकी है। फ्रैंकलिन पर रात को क्यों निकलना था तेरे को? माइकल भाई मैं क्या करूँ, रात को ही निकलना पड़ा मेरे को, अब क्या कर सकते हैं यार। माइकल भाई रात भी तो चलो छोड़ो, रात भी तो देखी जाए लेकिन ये अंधेरा और भाई पूरे रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं, तो भाई ये सब प्रकोप तो इस गाड़ी वाले का है ना। फ्रैंकलिन जो कर्स्ट किलर कार में इसकी आत्मा बैठी हुई है उसका प्रकोप है ये भाई, तो हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है। अब यार एक और बार इसने अगर पीछे से आगे ठोक दिया ना गाइस, तो भाई यार हमारी गाड़ी बिल्कुल खराब हो जाएगी। गाइस फाइनली हम लोग पहाड़ पे चढ़ चुके हैं और भाई धीरे धीरे मौसम बदलने वाला है। ओए आधी तूफान बंद हो गई। फ्रैंकलिन धीरे धीरे मौसम बदल रहा है, आंधी तूफान देख देते बोरी कर्स्ट किलर कार है। हाँ फ्रैंकलिन पीछे ही है बोरी। अरे भाई वो नहीं आ पाएगी ऊपर माइकल भाई। अरे फ्रैंकलिन भूतिया कार है, कुछ भी कर सकती है। चलो भाई हम लोग तो अपनी गाड़ी को ले जाते हैं, फ्रैंकलिन आराम से लेके जा। माइकल भाई अभी हमें काफी दूर जाना है पहाड़ों पे गाइस, काफी दूर जाना है और भाई पूरे आसमान पे चांद सितारे सब दिखाई दे रहे हैं गाइस। यार अब ना अच्छी तरीके से लेकर के चलते हैं भाई, अपनी गाड़ी की ना बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई जिस चक्कर में गाइस गाड़ी बहुत ज्यादा रिंग रिंग के चल रही है। कोई नहीं भाई हम लोग इसको रिंगवा करके अच्छे से लेकर के चलते हैं। बाकी ऑडियंस आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें। भाई यार हम फाइनली पहुंच जाएंगे। अब माइकल भाई ये क्या है? अरे यार फ्रैंकलिन तू चलना यार, फ्रैंकलिन ये बहुत गलत हुआ हमारे साथ। क्या रहा अभी तो हमें यार वापस, क्या पता हमें बाबा को छुपाए थे माइकल भाई जिससे हम वापस जा पाए, पर ये बाबा ने उपाय नहीं दे पाया। तो माइकल भाई फिर इस बाबा पे लाना था, मैं साले को पीट के आऊंगा। फ्रैंकलिन ऐसा मत बोल यार। अरे हाँ मैं पीटूंगा अगर इसने मैं, क्योंकि हम अपनी जान में खेल करके आए हैं भाई लॉस सैंटोस के टनल की जान बचाने के लिए। अरे 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 भाई बैग हो जा, बैग हो जा। अबे तेरी की पलट मत पलट मत। अरे फ्रैंकलिन भैया आराम से हले हले कर लो। अरे हाँ यार गाइस देख रहे हो ना भाई, यार ये भाई ये आत्मा हमें ऊपर पहुंचने नहीं दे रही है यार। देख रहे हो गाइस हमारी गाड़ी हवाओं में है, वापस अपने पास बुला रही है। गाइस ये आत्मा हमारा वापस अपने पास बुला रही है मुझे लग रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया बस सच्चा आप बूस्ट दबाओ। हाँ मेरी गाड़ी में बूस्ट है गाइस, मेरी गाड़ी में बूस्ट है। अब मैं अच्छी तरीके से हाईवे पहुंचाऊंगा। अरे यार फ्रैंकलिन भैया सही में जल्दी से पहुंचो यार तो पड़ेगा अब यार। हाँ भाई हाँ अब यार ये बूस्ट दबा दबा करके गाइस हम लोग पहुंच जाएंगे, नहीं तो हम लोग नहीं पहुंच पाते। फ्रैंकलिन भैया ये बात आपने सच बोली। हाँ भाई हाँ और इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गाइस। हाँ गाइस हाँ तो उसकी सफाइली गाइस हम लोग बाबा में पहुंच गए हैं। ओ थैंक गॉड बाबा 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 किधर है भाई, बाबा किधर है, बाबा से मिलते हैं एक बार सबसे पहले।
माइकल भाई पहुंच गए हम लोग। फ्रैंकलिन आराम से पहुंच यार। हाँ भाई हाँ, ओके सो गाइस बाबा के पास गाड़ी खड़ी करते हैं। वो इस पार्किंग क्या हो रही है ऊपर? अरे क्या पता बाबा ही हो। हाँ भाई हाँ, जल्दी से पहुंचते हैं। फ्रैंकलिन जल्दी पहुंच गया ना? हाँ हाँ, ट्रेवर भाई पहुंच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। भाई हमारी गाड़ी की हालत देखो यार, हम लोग जाएंगे कैसे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया, गाड़ी ने इतना बचा दिया, और क्या चाहिए? हाँ भाई हाँ, फ्रैंकलिन भैया मुझे डर लगता है। बाबा ऐसा मैं भी नहीं आऊंगा। रुक जाओ बाबा बाबा। हाँ बालक, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। क्या बाबा? हाँ, जो तुम्हारे अंदर ख्याल आया था कि मेरे को उन बाबा से मिलना है, तो वो बाबा मैं ही हूँ। बाबा ये आपके कर्ज खोपड़े पे लाइट क्या जल रही है? मूर्ख बालक, ये मेरी एक पहचान है। अच्छा बाबा, चिंगारी वाले बाबा मेरे पास, सुनो ये सब प्रॉब्लम हो रही है आप कष्ट कार के बारे में। बेटा ये कष्ट कार ऐसी नॉर्मल कार नहीं है, ये वाली सड़क पे इस गाड़ी का सबसे खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। और इसमें पता है कैसे एक्सीडेंट हुआ था? वो व्यक्ति जो इसके अंदर, इस गाड़ी के अंदर था। हाँ बाबा बताओ बताओ बताओ। वो व्यक्ति को कई लोगों ने अपनी गाड़ी से कुचला था, इसलिए वो जो भी इस जगह से गुजरता है अब वो आत्मा बन करके अपने, और अपनी आत्मा वाली गाड़ी से बन करके अपनी गाड़ी से बड़ा प्यार करता था, तो उसकी गाड़ी भी आत्मा बन गई है। क्या बाबा, उसकी गाड़ी भी आत्मा बन गई है? और क्या, और वो भी आत्मा बन गया है, और जिस चक्कर से वो तुम्हारे साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा करता है। पर बाबा इसका कोई उपाय? उपाय कुछ नहीं है बेटा, इसका कोई उपाय नहीं है। बाबा मैं उसे मार नहीं सकता? मार सकता है बेटा, तू मार सकता है उसे। पर कैसे? उस व्यक्ति को, उसकी जो आत्मा है, उसकी आत्मा को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। है बाबा? हाँ, उसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर तू उसकी गाड़ी को पानी में फेंकवा देगा और उसको भी पानी में फेंकवा देगा, तो उसकी आत्मा अपने आप ही डर के मारे शांत होकर के मेरे वश में आ जाएगी। बाबा मतलब? बेटा मेरे पास एक बोतल रखी हुई है जिसके अंदर एक पानी भरा पड़ा है इस समुंदर का। अगर तूने उस गाड़ी को इस समुंदर में गेर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली वो आत्मा मेरी बोतल में आ जाएगी। है बाबा? और क्या बेटा, ऐसा ही है। ठीक है, समझ गया तू ये बात को। पर बाबा अभी मैं वापस घर जाऊंगा तो फिर वो मेरे पीछे ऐसी तैसी करेगी। बेटा मेरे को पता है वो तेरी ऐसी तैसी करेगी, लेकिन तेरे को बच के जाना पड़ेगा। बाबा मेरी गाड़ी वाड़ी सब खराब हो गई है। कोई बात नहीं, तेरी गाड़ी अब ठीक हो गई है। फ्रैंकलिन हमारी, अरे हाँ फ्रैंकलिन देख गाड़ी देख। भाई बाबा आपने तो कैसे करा ये? बाबा बाबा आपकी जय हो, बाबा आपकी जय हो, आपने बहुत तगड़ी तरीके से कर दिया। हमारी गाड़ी बिल्कुल खराब थी फ्रैंकलिन, पूरी पता नहीं अचानक से कड़कड़ की आवाज में गाड़ी ठीक हो गई। अरे फ्रैंकलिन भैया ये जादू तो मैं भी नहीं कर पा रहा था। हाँ गाइस, क्योंकि पिंचन भी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तो बाबा बाबा आप तो बहुत बड़े बलात्कारी हो। ए चमत्कारी, अरे सॉरी सॉरी बाबा, आप बहुत बड़े चमत्कारी हो, आपने तो ये बहुत अच्छा कर दिया। मूर्ख बालक, जो तूने शब्द बोला अपने शब्द को वापस ले ले, नहीं तो इधर खाई से गिरा दूंगा। आई एम रियली सॉरी बाबा। बाबा मेरी बात सुनो। हाँ बेटा बोल। ये क्या बोलते हैं, अब हम कैसे जाएं? देख मौसम देख रहा है ना तू, धीरे धीरे मौसम शांत हो गया है। हाँ बाबा, बारिश शांत हो गई, मौसम शांत हो गया, उजाला आ गया, और दिन के टाइम तो वो आत्मा कुछ नहीं करती है। ठीक है, तो तुम लोग अपना थोड़ी देर वेट करो और आराम से होकर के जाओ। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। ये कौन, तुम्हारी बहू है? हाँ बहू है, और अंदर दो कुत्ते रखे हैं, वो भी बहू है। बाबा सब मेरे बहुओं के बारे में मत बोल कुछ भी। थैंक यू बाबा, आप तो बहुत ज्यादा धन्य हो गाइस। बाबा जी की जय हो। बाबा जी रॉक्स, बाबा जी रॉक्स, अरे बाबा जी रॉक्स। बेटा थोड़ी देर और रुक के जाओगे तो वो कष्ट कार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, लेकिन शाम होते के साथ ही वो अपना प्रकोप चालू कर देगी। और अगर तुमने उसको समुंदर में गिरा दिया, वो समुंदर के पास कभी नहीं जाती है बेटा, ये बात ध्यान रखना। बाबा मैंने बहुत कोशिश करी है, वो समुंदर के पास गई नहीं है, मेरे को अब नोटिस किया हमने। बाबा तब अब नोटिस किया ना, वो समुंदर के पास नहीं जाती। बेटा बहुत धन्य हो। बाबा आपकी फीस? मूर्ख बालक, मेरे को फीस देता है? मेरे को? साले हमसे मांगने आ रहा है और मेरे को फीस देता है? अरे हाँ बाबा, आप रियल बाबा फीस क्यों थोड़ी मांगोगे? और जो पाखंड बाबा होते हैं गाइस, वो तो फीस ही फीस मांगते हैं, क्योंकि उनका तो रोजी रोटी ये चल रही है। हाँ मैं पाखंड नहीं हूँ, मेरे को सारी शक्ति आती है, मैं एक चुटकी बजाती पैसे इकट्ठे कर सकता हूँ। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की तिजोरी खाली कर सकता हूँ चुटकी बजाते, तो मेरे को पैसों की क्या जरूरत है? तू मेरे को पैसा दिखाएगा? बाबा मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। बाकी और सारे पाखंड बाबा जो होते हैं गाइस पैसा मांगते हैं। आप लोग समझ रहे हो ना कि भाई अगर रियल बाबा पे शक्ति है तो वो तो चुटकी बजाती किसी भी अमीर इंसान की तिजोरी खाली कर सकता है। तो गाइस चलो भाई अब जल्दी चलते हैं। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया चलते हैं जल्दी से। हाँ हाँ, उजाला हो चुका है और ये समुंदर याद रहे, वो मेरी वश में आ जाएगी आत्मा। माइकल भाई फ्री में गाड़ी भी ठीक कर दी और फीस भी नहीं ली बंदे ने। अरे फ्रैंकलिन यही होता है असली बाबा की पावर। भाई फ्री में गाड़ी भी ठीक कर दी और फीस भी नहीं ली, और भाई हमारा उपाय भी कर दिया बहुत अच्छी तरीके से। और फ्रैंकलिन चलते हैं भाई आराम आराम से,
माइकल भाई मजा आ गया भाई ये सब देख करके। तो बाकी ऑडियंस आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपनी गाड़ी को उसी टनल से लेकर के जाते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। और भाई शाम के टाइम हम लोग उसको पूरी कोशिश करेंगे उस गाड़ी को। फ्रैंकलिन पर कल आएगा कौन पता नहीं यार। ऑडियंस आप लोग कमेंट करके बताना ये कौन कौन व्यक्ति आना चाहिए यार ये सब काम करने के लिए, और कौन सी गाड़ी हम लोग लेकर के आए ये भी तो नहीं पता। अरे यार फ्रैंकलिन भैया कोई बढ़िया सी गाड़ी लेकर के आएंगे जिससे वो गाड़ी पीछे। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया एक ही गाड़ी काम कर सकती है मतलब। अरे यार फ्रैंकलिन भैया जैसे ये इस गाड़ी की स्पीड कम है रेंज रोवर या और कोई भी कोई गाड़ी की, पर वो इसलिए वो पकड़ लेती है हम लोगों को। हाँ वो पकड़ लेती है लेकिन एक गाड़ी को वो कभी नहीं पकड़ सकती। ऑडियंस आप लोग कमेंट करके बताओ कौन सी गाड़ी है जिसको वो कभी नहीं पकड़ सकती। समझ गया शिनचैन मतलब उस गाड़ी से गाइस हम लोग आएंगे और उसको पानी में धकेलेंगे उसी गाड़ी से। हाँ फ्रैंकलिन वो जो सोच रहा है ना वो ही। अरे यार लॉर्ड जेस्को अपनी जेस्को ही कर सकती है। अबे ऑडियंस को गैस करने देता ना शिनचैन। अरे यार सबसे फास्टेस्ट कार हमारे पास पूरे वर्ल्ड में जो हमारे पास एक लौती वो जेस्को ही है और जेस्को ही ये काम कर सकती है। तो गाइस कल जेस्को की लड़ाई होने वाली है कर्स्ट कार किलर से, तो आप लोग देखने के लिए रेडी हो ना। कर्स्ट कार किलर की ऐसी तैसी मारेगी अपनी जेस्को। और क्या शिनचैन अपनी जेस्को ही ऐसी तैसी मार सकती है कर्स्ट कार किलर की, नहीं तो और कोई तो नहीं मार सकता। फ्रैंकलिन ये बात तुमने ग्रेट बोली। वही तो ऑडियंस यही बात चल रही है। तो गाइस इसीलिए हम लोग टनल पार कर रहे हैं, आप लोग बस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। अरे हाँ गाइस नेक्स्ट पार्ट लिख दो कमेंट बॉक्स में ही। हाँ गाइस कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख दो, उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेकर के आएंगे। देख रहे हो ये टनल कितना डरावना है भाई, रात को तो पार भी नहीं किया जा रहा था, अब तो खैर उजाला हो गया। अरे फ्रैंकलिन अब तो उजाला हो गया, 6 बज गए, अब तो वो कष्ट कार कुछ नहीं कर पाएगी भाई। हम लोग कोने पे खड़े हुए थे देखा ना तूने फ्रैंकलिन, हम लोग बिल्कुल ही फ्रैंकलिन हम लोग इधर ही खड़े हुए थे इधर। और वो भाई देखो गाइस पता है ये ब्रिज ना यहाँ से चालू हो जाता है, ये वाली जो सफ़ेद सफ़ेद रोड चालू होती है और ये लाइन से, और ये लाइन तो हमने पार भी नहीं की थी, वो कष्ट कार हमें मारने के लिए आ गई थी। हाँ भाई हाँ ट्रैवल भाई आप सच कह रहे हो भाई, वो हमें ऐसे ही मारने के लिए आ गई थी, लेकिन कोई बात नहीं हम भी कम नहीं है। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। वीडियो बहुत अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए बाय का शेयर, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, PS Insta को जल्दी सब्सक्राइब करो, बाय का शेयर, टेक केयर।